सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने अभी तक कुछ नहीं खोया। ये सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। केवल तभी बोले जब आपको लगे कि आपके शब्द आपके चुप होने से बेहतर हैं। बच्चों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया है और मुझे उनका पालन पोषण करना चाहिए। अब मुझे वो कर्तव्य करने होंगे जो उन्होंने किए थे। मुझे अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे ऐसी योग्यता लानी होगी जो उस परंपरा से मेल खाए। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। ये खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। हर पल का आनंद लेके जिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और आने वाला समय कैसा होगा ये तो कहा भी नहीं जा सकता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो, पहला साथ, दूसरा समय और तीसरा समर्पण। दर्द मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ही ज्ञान नहीं है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, बल्कि लाना पड़ता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो। 100 अच्छे विचारों को पढ़कर छोड़ देने से अच्छा है एक अच्छे विचार को पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारना। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है खुद के ऊपर नियंत्रण रखना। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल ना खाती हो।